तो हेलो गाइस, कैसे आप सब। मैं आपका होस्ट और दोस्त यश। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं द हैवी टैंक्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये जो वीडियो होने वाला है ये पूरा कंप्लीट गाइड होगा हैवी टैंक्स के बारे में। और मैं आपसे कहूँगा कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बट आप इसको पूरा देखिए अगर आप जानना चाहते हैं कि एक हैवी टैंक को किस तरह से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हैवी टैंक का मतलब ही होता है हैवी, यानी कि बहुत भारी भरकम। इसका मतलब उसके पास बहुत ज़्यादा आर्मर होता है। दिस मीन्स कि जो ये हैवी टैंक्स होते हैं ये फ्रंट लाइन के लिए बने होते हैं, जो कि डायरेक्टली सबसे आगे रह करके एनमी का डायरेक्ट मुकाबला करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें गेम में, तो फिर गेम में जो हैवी टैंक है वो सबसे ईजी होते हैं चलाने के लिए, तो मगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हैवी टैंक का ही होता है। अगर मैं हैवी टैंक की बात करूँ, तो फिर अगर आपके टीम के हैवी टैंक्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो फिर समझ लीजिए आप 60 से 70% गेम वहीं पर जीत जाते हैं। बट वहीं पर अगर आपके हैवी टैंक्स नहीं अच्छा परफॉर्म करते, अपना काम नहीं करते सही से, तो फिर 70% चांसेस रहते हैं कि आप वो मैच हार जाएंगे, क्योंकि हैवी टैंक बहुत ही क्रिशियल होते हैं और वो मेन टैंक होते हैं बैटल फील्ड पर, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हिट पॉइंट कैरी करते हैं गेम में। और दोस्तों, वैसे बेसिकली जो हैवी टैंक्स होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं गेम में। सबसे पहले सुपर हैवी टैंक, जो कि बहुत ज़्यादा आर्मर कैरी करते हैं। उनमें आ जाता है VK90, E100, माउस, IS-4, ऐसे बहुत सारे टैंक्स जो कि बहुत स्लो होते हैं, क्योंकि उनके पास आर्मर बहुत ही एपिक लेवल का होता है और वो बहुत भारी भरकम होते हैं। जो सुपर हेवी टैंक्स होते हैं दोस्तों, वो साइड स्क्रैपिंग के मामले में बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। उनका गन बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता है, बट और उनका मोबिलिटी भी बहुत ज़्यादा स्लो होता है। दोस्तों, जो दूसरा कैटेगरी है वो है नॉर्मल हैवी टैंक, यानी कि वो हैवी टैंक जो कि सब कुछ नॉर्मली कैरी करते हैं, मतलब कि उनके पास सब कुछ ठीक ठाक होता है। वो एवरेज से हर चीज़ परफॉर्मेंस में रहते हैं, जैसे कि 60 TP हो गया, तो 60 TP एक नॉर्मल हैवी टैंक की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि इसका मोबिलिटी भी डिसेंट है, साथ में इसका गन भी कैपेबल है और बाकी सब चीज़ भी, आर्मर भी ठीक ठाक सा कैरी करता है, तो फिर ये बैलेंस्ड हैवी टैंक में आ जाएगा। तीसरा जो हैवी टैंक है, सब जो तीसरा टैंक होते हैं हैवी टैंक में, वो होता है सपोर्टिंग हैवी टैंक। दोस्तों, जो सपोर्टिंग हैवी टैंक होते हैं ये बेसिकली हैवी टैंक ही होते हैं, लेकिन इनके पास आर्मर उतना अच्छा नहीं होता है और ये सेकेंड लाइन पे रहने के काम आते हैं। इनके पास गन बहुत ही अच्छा होता है और ये ज़्यादातर ऑटो रिलोडर या रिलोडर के बिलोंग करते हैं। इन टैंक्स में आ जाते हैं T-57 हैवी, AMX-30B, क्रानवाग या फिर M60 जैसे टैंक आ जाते हैं सपोर्टिंग हैवी टैंक्स के रो कैटेगरी में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हम तीनों जो टैंक्स हैं उनके प्ले स्टाइल के बारे में बात करेंगे, तीनों कैटेगरी के। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ पे नॉर्मल हैवी टैंक के बारे में, जो कि नॉर्मली हम लोग को पसंद है और जो सबसे इजी होते हैं यूज़ करने में और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव भी होते हैं बैटल फील्ड में चलाने के लिए। तो फिर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैवी टैंक्स हैं जो कि इस कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि 60 TP हो गया, IS-7 हो गया, और भी बहुत सारे टैंक होते हैं, T-11 हो गया, या फिर बहुत सारे टैंक। Type-71 भी इसी कैटेगरी में फॉल करेगा, जो कि अभी लेटेस्ट हैवी टैंक आया है। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ तो चलिए अब एक गेम प्ले मैं शुरू करता हूँ, जिसमें हम बात करेंगे आगे कि किस तरीके से आपको एक नॉर्मल हैवी टैंक को खेलना है। तो फिर मैं यहाँ पर जा करके 60 TP का एक रिप्ले ऑन कर लेता हूँ। और दोस्तों, इस रिप्ले में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको एक नॉर्मल हैवी टैंक को यूज़ करना है, जो कि हर चीज़ में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करे, डिसेंट हो। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि जो नॉर्मल हैवी टैंक्स होते हैं उनके पास कुछ स्पेशल पर्क्स होते हैं, यानी कि जो नॉर्मल हैवी टैंक होते हैं उनके पास कुछ ऐसे टैंक हैं जिनका कुछ स्पेशल पर्क हैं, जैसे कि किसी का मोबिलिटी अच्छा है, किसी का गन बहुत ही पावरफुल है, किसी के पास बहुत अच्छा टरेट आर्मर है, या फिर ऐसे ही कुछ छोटे छोटे चीज़ जो कि उनको एक स्पेशल चीज़ बनाते हैं। तो 60 TP को अगर ले लिया जाए, तो 60 TP का जो मेन एडवांटेज है वो इसका गन है। इसका गन बहुत ही हैवी है, जो कि IS 560 के ऊपर अल्फा कैरी करता है, तो ये इसका एक मेन एडवांटेज है। और साथ में इसका जो टरेट आर्मर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, और साथ में इसका जो मोबिलिटी है वो भी डिसेंट है। तो फिर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैं इस मैच में पीछे रह के थोड़ा सा अपने जो आर्मर है उसको यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि अपना जो टरेट आर्मर है उसको बार बार यूज़ करते हुए, अपने अपना जो टैंक का पावरफुल स्पेक है उसको यूज़ करते हुए यहाँ पे मैं पीछे रह कर के एनिमी पे शॉट लेने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, जो जो अगर हम और भी नॉर्मल हैवी टैंक के बारे में बात करें, तो फिर मान लीजिए अगर मैं IS-7 के बारे में बात करूँ, तो फिर IS-7 का मेन जो उसका स्पेशल पॉइंट है वो है उसका साइड आर्मर, क्योंकि उसका साइड आर्मर बहुत ज़्यादा पावरफुल रहता है। और Type-71 की बात करें, तो Type-71 का फ्रंट प्लेट बहुत ज़्यादा हैवी है और वो बहुत मुश्किल है पेनिट्रेट करना है। और चीफ्टन की बात करें, तो चीफ्टन में खासियत ये है कि उसके पास गन बहुत ही सॉलिड है, जो कि बहुत सारा DPM कैरी करता है, और साथ ही साथ जो चीफ्टन का मोबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है।
तो इसी तरीके से जो नॉर्मल हैवी टैंक्स हैं इनके पास बहुत कुछ अच्छा होता है, जो कि कुछ स्पेशल चीज़ें कुछ अच्छी होती हैं और वो बाकी चीज़ों में डिसेंट होते हैं। तो फिर दोस्तों इस मैच में आप बेसिकली देख सकते हैं मैं अपने जो मेरा एडवांटेज है यानी कि जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मैं इस पर खड़ा हुआ हूँ, मैं यहाँ पर रश नहीं कर रहा हूँ और मैं पीछे से रह करके एनमी का गलती करने का वेट कर रहा हूँ। जैसे कि टाइप 21 यहाँ पर एक गलती करता है और मैं उस पर तुरंत ही 500 समथिंग डैमेज ले लेता हूँ। तो इसी तरीके से आपको ये बात ध्यान रखना है कि अब भले ही आप हैवी टैंकर और फ्रंट लाइन के लिए बने हुए हैं लेकिन फिर भी आपको बहुत ज़्यादा रश नहीं करना है, क्योंकि आप भी पेनिट्रेट हो सकते हैं बहुत ही आसानी से किसी के भी द्वारा। तो फिर आपको अपना समय दे के आगे अपना काम करना है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर मुझे मौका मिल गया कि जब टाइप 21 वहाँ गया और T11 यानी कि E3 जो था वो अकेला पड़ गया, तो फिर मैंने रश किया और उसे मार दिया। और अब मैं यहाँ पर जा रहा हूँ पीछे टाइप 21 के पीछे, जो ये 60 TP है इस टैंक का, ये भी ये एक स्पेशल एडवांटेज है कि इसके पास टंगस्टन शेल है जो कि 10 to 20% डैमेज एक्स्ट्रा कर देते हैं किसी भी शेल को जब मैं फायर करता हूँ। दोस्तों आपको नॉर्मल अभी टैंक को खेलते समय आपको सबसे आसानी रहेगा, क्योंकि ये टैंक खेलने काफ़ी आसान होते हैं। इस समय पर आप देख सकते हैं मैंने ऑब्जेक्ट को मारा जैसे मेरा गन रिलोड हो गया, क्योंकि आप एक हैवी टैंक हैं तो फिर आपकी मोबिलिटी इतना अच्छा नहीं है। तो फिर आप जब भी आपको मौका मिले तो फिर आप लाइट या मीडियम टैंक को शूट करिए, क्योंकि वो आपके सबसे बड़े दुश्मन है। क्योंकि आप हैवी टैंक से तो फिर भी डील कर लेंगे, बट जो मीडियम टैंक्स हैं वो आपके सबसे बड़े दुश्मन है, मीडियम और लाइट टैंक्स। तो जैसे ही मैंने देखा एनिमी 60 TP वहाँ पर शॉट लिया, तो फिर मैंने भी उस पर एक शॉट ले लिया और उधर से मिनी टारो ने उस पर एक शॉट ले लिया। और दोस्तों जो जो ये टैंक्स होते हैं यानी कि जो इस तरह के नॉर्मल हैवी टैंक्स होते हैं इनको यूज़ करना बहुत ही आसान होता है, और ये मेरे वरना तो मेरे फेवरेट भी टैंक्स हैं, क्योंकि मुझे IS-7 भी मेरा बहुत पसंद है, साथ में मुझे मेरा 60 TP भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और मैं एक और बात बता दूँ कि मैं लास्ट में गेम प्ले के बताऊँगा कि कौन से हैवी टैंक्स हैं हर कैटेगरी में जो कि वर्थ है ग्राइंड करना और जिसको आपको ज़रूर लेना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जल्दी से प्रीमियम शेल लोड करके एनिमी 60 TP को मार दिया है, और अब बस एनिमी मिनी टारो बचा हुआ है हमारे सामने। तो फिर यहाँ पे मैं आगे कुछ था नहीं, मैंने किसी भी तरह कोशिश करके एक शॉट ले लिया जो कि लो रोल गया अनफॉर्चुनेटली, बट कोई बात नहीं, हमने फिर भी 5,000 डैमेज कर दिया। हमें यहाँ पे काफ़ी लकी बाउंसर्स भी मिले, तो फिर वो भी एक अच्छी चीज़ है। जब आप नॉर्मल हैवी टैंक यूज़ करते हैं तो फिर ऐसे लकी बाउंसर्स आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। तो फिर ये टैंक ये वाला जो गेम था ये बिल्कुल एक नॉर्मल गेम था जिसमें 5,000 डैमेज हमने नॉर्मली ले लिया, और कुछ ऐसा स्पेशल गेम नहीं था, अच्छा गेम था, मतलब मैं कहूँगा कि डैमेज हमने काफ़ी किया, बट मैंने इसमें आपको नॉर्मल टैंक्स बता दिया किस तरह यूज़ करने हैं। अब दोस्तों सेकेंड कैटेगरी में बढ़ते हैं जो कि है सपोर्टिंग हैवी टैंक, और इस कैटेगरी में जैसे ही मैंने बताया कि आपको पीछे रह करके हमला करना है, तो जल्दी से T-57 का भी हम एक रिप्ले खोल लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों आपको एक बात याद रखना है कि जो सपोर्टिंग हैवी टैंक्स हैं उनके पास या तो ऑटो रिलोडर और रिलोडर होते हैं यानी कि वो शेल कैरी करते हैं 3-4 एक साथ, और साथ में इनका मोबिलिटी ठीक ठाक सा होता है, आर्मर ठीक ठाक सा होता है, और ये सेकेंड लाइन में आपको इसको खेलना है यानी कि आपको फ्रंटली जा करके अपने एनमी के सामने बिल्कुल नहीं रहना है, और सेकेंड लाइन पर जब आपको मौका मिले तो आपको अपने सारे शेल्स बस्ट कर देने हैं जैसा कि मैं यूज़ करता हूँ। वैसे तो इस मैच में दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे मीडियम के साइड जा रहा हूँ, क्यों मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मीडियम साइड पे भी आप अक्सर जा सकते हैं इन टैंक्स को यूज़ करके, क्योंकि आपके पास एक 3 शेल का ऑटो रिलोडर है, तो फिर ऑटो लोडर है आई मीन। तो फिर जब मेरे पास 3 शेल है तो फिर ऐसे टैंक्स यूज़ करते समय मैं जा करके मीडियम टैंक्स के बीच में बिल्कुल से हंगामा क्रिएट कर सकता हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल पैनिक में आ जाएंगे, बिल्कुल वो डर जाएंगे कि अचानक से क्या हो गया, क्योंकि उनके पास उतना हिट पॉइंट रहता नहीं है। मैं अपने 3 शेल यूज़ करके आराम से 1200 से 1400 तक डैमेज दे सकता हूँ। तो फिर इसीलिए ये उनके समझ लीजिए 2/3 हिट पॉइंट है। तो फिर आराम से अगर मैं इतना सारा डैमेज ले सकता हूँ तो फिर मैं यही करूँगा। यहाँ पर मैंने एक तो शेल यूज़ करके पहले T-22 मीडियम को शूट किया, उसके बाद मैंने प्रोजेक्टर को शूट किया, और आप देखिए यहाँ पे प्रोजेक्टर काफ़ी अग्रेसिव प्लेयर लग रहा था। तो फिर अगर आप सोचिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अकेले अगर मैं नहीं आता, मतलब मैं अगर हैवी के साइड चला जाता तो फिर यहाँ पे मेरे मीडियम्स मुझे नहीं लगता सर्वाइव कर पाते। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो मेरा स्टैंडर्ड भी आप देख सकते हैं वो वहाँ पीछे छुपा हुआ है, और अगर स्टैंडर्ड भी जो कि मेरा मीडियम टैंक है जिसको कि यहाँ पे आके हेल्प करना चाहिए, अगर वो इस तरह से छुपा है तो फिर एनिमी टीम बहुत आसानी से रश करके मेरे शेडन और साथ में जो मेरा E-15 है उसको बड़ा आसानी से मार देती है।
इसलिए अब मैंने जब देखा यहाँ पे SEO, तो फिर मैंने अपना जो इसके पास स्पेशल एबिलिटी जो है T57 के पास, जो कि है शेल बिटवीन रिलोड बूस्ट, उसको मैंने यूज़ करते हुए बहुत आसानी से बहुत जल्दी मार दिया SEO को। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और नोटिस कर रहे हैं कि मैं डायरेक्टली एनिमी के सामने नहीं जा रहा हूँ, मैं हमेशा छुपा हुआ रहा हूँ और हमेशा मैं अपने शेल को रिलोड करने का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम ही सपोर्टिंग वाला है। तो फिर मुझे तब मारना जब एनिमी फायर कर ले। यहाँ पे हमने एक शॉट 60 TP पे ले लिया और फिर मैं यहाँ पे देख रहा था किसी और पे शॉट लेना, अनफॉर्चुनेटली एक शॉट मेरा मिस हो गया 50 TP पे, आई एम सॉरी। और फिर मैंने यहाँ पे T57 को देखा एनिमी और उस पर भी एक शॉट ले लिया। दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर मैं वहाँ पे इस सिचुएशन में अगर मैं मीडियम टाइम की तरफ ना जाके हैवी के साइड जा गया होता, तो फिर आप सोच ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये गेम मेरे हाथ से निकल चुका होता, क्योंकि शेडन के पास DPM काफ़ी कम है और E50M बहुत अच्छा प्लेयर नहीं लग रहा, स्टैंडर्ड भी तो पीछे ही बैठा हुआ था। तो फिर हमारी मीडियम फ्लैंक जरूर हार जाती वहाँ पे और फिर कुछ नहीं बचता इस गेम में, मतलब कि हम लोग के लिए, क्योंकि मैं डायरेक्टली एनिमी हैवी टैंक के सामने जा नहीं सकता था। तो फिर मैं ऐसे ही बीच में फंसा रह जाता, इसलिए मैंने वहाँ जाना चूज़ किया। यहाँ पे ये जो Mark II है वो मुझे थोड़ा सा ब्लॉक कर रहा था, बट कोई बात नहीं, क्योंकि अब ये मैच हम लगभग जीत ही गए थे। और यहाँ पे मेरे टीम मेंबर्स टाइप 71 को मार देते हैं और इसी के साथ ये मैच भी हम जीत जाते हैं। इस मैच में भी हमने 4000 से ऊपर डैमेज कर दिया। तो फिर ये भी एक अच्छा गेम था और मैंने आपको दिखाया कि कैसे सपोर्टिंग का रोल करते हुए मैंने अपने मीडियम्स की मदद की। मीडियम्स की मदद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फ्लैंक अगर पीछे से एनिमी मीडियम टैंक्स करते हैं या फिर लाइट टैंक, तो फिर आपकी टीम के लिए वो बहुत प्रॉब्लमेटिक रहता है। दोस्तों अब फाइनली बात कर लेते हैं जो सुपर हैवी टैंक्स होते हैं, जैसे कि VK90, E100, इन सभी के बारे में। तो जो ये सारे टैंक्स होते हैं, इन सभी का जो मेन एडवांटेज होता है, जो जितने भी सुपर हैवी टैंक्स हैं उनका मेन एडवांटेज होता है इनका आर्मर और इनकी साइड स्क्रेपिंग कैपेबिलिटी। और इनका जो सबसे वीक पॉइंट होता है वो होता है इनका बहुत बड़ा साइज होना, और साथ ही साथ इनका जो आप कह सकते हैं मोबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है। तो फिर इसीलिए मुझे पर्सनली, मतलब मैं कहूँ तो मुझे पर्सनली भले ही VK90 मेरे पास है, जो कि गेम का बेस्ट मीडिया बेस्ट सुपर हैवी टैंक माना जाता है, वो मेरे पास है, बट स्टिल मुझे सुपर हैवी टैंक से खेलना पसंद नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़े होते हैं पहली बात तो। उसके बाद ये इतना स्लो होते हैं, मुझे बिल्कुल भी मतलब कि ऐसे टैंक से खेलना मुझे पसंद नहीं आता, इसी वजह से मेरे ये उतने फेवरेट नहीं है। बट फिर भी मज़ा आता है खेलने में, क्योंकि हम बाउंसेस लेते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं अपना जो पुअर मोबिलिटी कह सकते हैं उसका यूज़ करते हुए बड़े ही धीरे धीरे तरीके से यहाँ पे मैं एनिमी पोजीशन पे पहुँच रहा हूँ। तो फिर जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँच जाता हूँ, मैं सामने से देखता हूँ कि VK था और साथ ही में ऑब्जेक्ट है, मैं ऑब्जेक्ट को असल में टारगेट करता हूँ। तो फिर उसी चक्कर में असल में मुझ पर VK72 जो एनिमी का टैंक है वो मुझ पर फायर कर देता है। बट कोई बात नहीं, अभी मैच तो शुरू हुआ है तो फिर कोई ऐसी बात नहीं है। और एक सुपर हैवी टैंक होने का जो फ़ायदा है वो ये है कि हमारे पास बहुत सारे हिट पॉइंट्स हैं, तो फिर हम उसका यूज़ करते हैं यहाँ पे। दोस्तों VK यहाँ पे थोड़ा सा एग्रेसिव प्ले कर रहा था और उसने HE फायर किया, आपने देखा HE शेल उसने इसलिए फायर किया क्योंकि वो जानता है कि मैं एक साइड स्क्रैपिंग किंग हूँ। जी हाँ, VK90 जो है, जो मेरा टैंक है वो साइड स्क्रैपिंग किंग है, इसलिए ये सब पेनिट्रेट मुझे नहीं कर पाएंगे, मैं ये बात जानता था आराम से। और आप देख सकते हैं कि सुपर हैवी टैंक होने का फ़ायदा, पहले हमें कितने सारे बाउंसर्स मिले। ऑफ कोर्स हम जब ट्रैक हो गए तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो हमें आसानी से मार सकते हैं, और वो गोल्ड शेल भी यूज़ करते हैं। और ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट था क्योंकि ऑब्जेक्ट ने मेरे चीक से मुझे पेनिट्रेट कर दिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट था, मैं ये बात मानता हूँ। और इस पॉइंट पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरा हेल्थ बहुत कम था, मतलब कि मैं बस एक वन शॉट रह गया था। तो इसलिए मैं अपने जो ऑब्जेक्ट 268 है मेरे टीम का /4, उसको मैं आगे जाने देता हूँ और मैं पीछे से देखता हूँ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ पीछे से ही रह करके। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं किसी तरीके से होल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि एनिमी जो है वो थोड़ा सा डरे और मेरी तरफ ना आए उतना। तो फिर मैं बस इसी की कोशिश कर रहा हूँ और बीच बीच में कुछ शॉट्स भी मैं लिए जा रहा हूँ, ताकि किसी तरीके से हमारी टीम डैमेज डेल्ट करे। वैसे यहाँ सिचुएशन बहुत ही मतलब कि ख़राब है, क्योंकि हमारी टीम काफ़ी तेज़ी से हारते हुए लग रही है, खास करके उनके जो M6 CO है उसके पास बहुत ज़्यादा DPM, क्योंकि वो 3 शॉट गन यूज़ कर रहा है इस वजह से।
और आप दोस्तों अगर एक चीज़ और नोटिस करेंगे तो फिर जो एनिमी M6 ये है, आप देख सकते हैं कि वो हम पे पुश नहीं किया था, वो पीछे रह रहा था, वो अपने VK72 के पीछे छुपा था जो कि एक सुपर हैवी टैंक है, और वो सेकेंड लाइन में खेल रहा था। तो फिर आप देख सकते हैं कि वो प्लेयर बिल्कुल सही खेल रहा था, सुपर एक सेकेंड लाइन टैंक में वैसे ही खेला जाता है। यहाँ पे हम मर गए डेफिनेटली, बट कोई बात नहीं क्योंकि हमने अपना काम कर दिया। वो था कि एनिमी को काफ़ी देर तक हमने रोक के रखा, जिसके वजह से कि हमारे जो लाइट टैंक से मीडियम टैंक से और साथ में जो टैंक डिस्ट्रॉयर हैं जो कि पीछे से फ्लैंक कर रहे थे, उनको मौका मिल गया आराम से अपना काम करने का। तो फिर ये गेम इतना बुरा नहीं था, बट स्टिल मैं बता दूँ दोस्तों कि मुझे सुपर हैवी टैंक्स उतना पसंद नहीं है क्योंकि ये बहुत स्लो होते हैं, और जो इनका जो आर्मर हो, इनका जो साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, और साथ में जो इनके DPMs होते हैं वो भी बहुत लो होते हैं। दोस्तों अब फाइनली अब हमने तीनों टैंक के बारे में बात कर ली, और आप समझ भी गए होंगे कि कौन से टैंक मतलब कि सारे टैंक्स को किस तरह से खेला जाते हैं, तीनों कैटेगरी के टैंक्स को कैसे खेला जाता है। तो अब हम बात कर अब मैं बताता हूँ आपको कि मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट टैंक्स कौन से हैं ग्राइंड करना, जो कि तीनों कैटेगरी में है इस गेम में। तो आइए सबसे पहले हम सुपर हैवी टैंक्स की बात करते हैं। अगर सुपर हैवी टैंक की बात करें तो फिर मेरे हिसाब से जो बेस्ट सुपर हैवी है इस गेम का वो है सोवियत का IS-4। जी हाँ दोस्तों, IS-4 एक सुपर हैवी टैंक है, और मुझे क्यों ये बेस्ट टैंक लगता है, क्योंकि इसका गन काफ़ी शानदार है, इसके पास आर्मर काफ़ी अच्छा है, इसका मोबिलिटी लो है, बट जो इसका मेन पॉइंट है वो ये है कि इसका जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इसका साइज़ काफ़ी छोटा सा है। दोस्तों ये एक सुपर हैवी है और इसका जो साइज़ वो काफ़ी छोटा है, जो कि इसको बहुत बड़ा एडवांटेज देता है, क्योंकि बाकी सुपर हैवी मैंने जैसे बताया कि काफ़ी बड़े होते हैं, इसलिए वो बहुत ही आसानी से टारगेट बन जाते हैं एनिमी का। बट IS-4 जो है वो थोड़ा सा अपोजिट है, ये छोटा है इसलिए ये काफ़ी मज़ा आता है आपको IS-4 खेलने में। तो फिर इसलिए मेरे हिसाब से जो बेस्ट सुपर हैवी टैंक है ट्रैक्टरी में वो IS-4 है। और दूसरी बात करूँ, अगर आपको IS-4 ना पसंद हो या फिर आपको एक बिग डर्पी टैंक चाहिए जिसके पास बहुत सारा अल्फा हो, तो फिर मैं कहूँगा आप E-100 के साथ जाइए। जी हाँ दोस्तों, जो E-100 है वो सेकेंड बेस्ट सुपर हैवी टैंक है ग्राइंड करने के लिए इस गेम में, क्योंकि इस टैंक के पास काफ़ी अच्छा आर्मर तो है ही, और साथ में इसके गन से लोग बहुत डरते हैं। इसका गन 600 एवरेज डैमेज देता है जो कि काफ़ी बड़ा होता है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ नॉर्मल हैवी टैंक्स के बारे में, तो फिर मैं यहाँ पे दो टैंक्स को चूज़ कर रहा हूँ जो कि ग्राइंड करने के लिए बेस्ट रहेंगे। सबसे पहले जो टैंक है वो है यहाँ पे 60 TP ही है, वो 60 TP है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि 60 TP, जैसा कि आपने मेरे गेम प्ले में भी देखा, इसके पास काफ़ी अच्छा पॉइंट्स हैं। सबसे पहले इसका जो टरेट है वो काफ़ी स्ट्रांग है, उसके बाद इसका गन एक बहुत बड़ा गन है, तो फिर आपको मज़ा आएगा खेलने में। उसके बाद फाइनली इसके पास टंगस्टन आर्मर है, जो टंगस्टन शेल है, जो कि एक कैम जो एक कंज्यूमेबल है, बट वो बहुत ही अच्छा है। इसी वजह से मेरे हिसाब से जो बेस्ट आपको ग्राइंड करने के लिए 60 TP है, जो बेस्ट नॉर्मल हैवी टैंक है वो 60 TP ही है इस गेम में। और इसलिए मैं ये और कह रहा हूँ क्योंकि इसका ग्राइंड काफ़ी यहाँ पे इजी है, क्योंकि जितने भी टैंक्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, 40 TP हो गया, 45 TP हो गया, 53 TP हो गया, या तो 50 TP हो गया, ये सभी से खेलने में मुझे बहुत मज़ा आया था और आपको बिल्कुल भी बोरियत नहीं होगा। तो फिर ये सबसे इजी ग्राइंड है ग्राइंड करने के लिए। दूसरा दोस्तों अगर मैं बताऊँ तो फिर वो है यहाँ पर Type-71। जी हाँ दोस्तों, जो Type-71 है वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टैंक है इस समय गेम में, और नॉर्मल टैंक्स की कैटेगरी में भी ये मोस्ट पावरफुल, मैं 60 TP के बगल में इसको रखूँगा, क्योंकि इसके पास भी सब कुछ बहुत ही परफेक्ट है। इसका आर्मर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और साथ में इसका गन और सबको कंबाइन करें तो फिर काफ़ी अच्छा टैंक बन जाता है। दोस्तों जो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें Type-71 में वो ये है कि इसमें लास्ट में जब आप Tier-10 पर पहुँचेंगे, नहीं Tier-9 पर जब पहुँचेंगे, तो फिर आपको एक तो इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप गन डिप्रेशन या तो चूज़ कर सकते हैं या तो आप मोबिलिटी चूज़ कर सकते हैं। तो फिर आप अपने हिसाब से चूज़ करके अपने टैंक को अपने हिसाब से खेल भी सकते हैं। तो फिर Type-71 बहुत ही अच्छा टैंक है अगर आपको ग्राइंड करना नॉर्मल टैंक में। तो दो टैंक मैंने नॉर्मल टैंक्स में बता दिए, वो है 60 TP और Type-71। अब बात कर लेते हैं हम सपोर्टिंग टैंक्स में, तो फिर सपोर्टिंग टैंक्स में दोस्तों नो डाउट जो बेस्ट सपोर्टिंग टैंक है, वो बेस्ट सपोर्टिंग हैवी टैंक है वो है T-57 हैवी। जी हाँ दोस्तों, T-57 हैवी बहुत ही पावरफुल हो गया इस समय, इसके पास आर्मर भी काफ़ी ठीक ठाक सा आ गया है, ट्रॉल आर्मर जिसको कहते हैं, और साथ में इसका गन तो आप जानते हैं ये बहुत एपिक है, बहुत सारा DPM कैरी करता है, और जो कंज्यूमेबल में आप यहाँ पे शेल रीलोड बूस्ट देख रहे हैं, ये कंज्यूमेबल इसको OP बना देता है। तो फिर मैं कहूँगा कि अगर थोड़ा सा इसका ग्राइंड
यहाँ पे T5 4E1 पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो क्योंकि ये टैंक काफ़ी ज़्यादा बेकार है। बट अगर आपको आपके पास फ्री XP बचा हुआ है तो फिर आप फ्री XP यूज़ करके इसका इसको स्किप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे चाफी क्या चाफी M41 बुलडॉग और T49 तो बहुत ही अच्छे हैं। और अगर आप इसको ग्राइंड करते हैं तो फिर आपको शेडन भी ग्राइंड करने के लिए ईजी होगा, जो कि बेस्ट लाइट टैंक है मेरे हिसाब से गेम में। दोस्तों दूसरे की बात करें तो फिर मेरे हिसाब से जो दूसरा टैंक आता है वो है यहाँ पे क्रान वाग। जी हाँ दोस्तों, क्रान वाग मेरे हिसाब से दूसरा बेस्ट सपोर्टिंग हैवी टैंक है, क्योंकि इसके पास वन ऑफ द बेस्ट नहीं, मैं कहूँगा इसके पास बेस्ट आर्मर है, टरेट आर्मर, और ये हल डाउन का किंग इसको कहा जाता है। दोस्तों ये एक ऑटो रिलोडेड टैंक है और हल डाउन में इसको कोई भी पेनिट्रेट नहीं कर सकता, आप लिख के ले लीजिए गारंटी के साथ। तो फिर इसीलिए क्रान वाग को मैं यहाँ पर चूज़ कर रहा हूँ दूसरे बेस्ट हैवी टैंक के कैटेगरी में। यहाँ पे भी आपको काफ़ी इजी मिलेगा, इसका जो ग्राइंड है वो काफ़ी मज़ेदार और इजी है। बस आपको थोड़ा सा ये चीज़ एट डिसएडवांटेज रहेगा इस टैंक में, इसका मोबिलिटी बहुत स्लो है, तो इसलिए आपको मोबिलिटी के लिए सुपर स्पीड बूस्ट यूज़ करना पड़ेगा। बट कोई बात नहीं, बाकी सब इस टैंक का बहुत अच्छा है। और दोस्तों जो तीसरा नंबर पर मैं रखूँगा जो कि ग्राइंड करना चाहिए आपको सपोर्टिंग हैवी टैंक में, तो वो उसको मैं रखूँगा यहाँ पर अमेरिकन M60O। जी हाँ दोस्तों, M60O बहुत ही अच्छा टैंक है। इसके पास पहली बात तो आपको दो लास्ट में आपको दो गन मिल जाते हैं देखने को, तो फिर एक गन जो है वो दो शॉट कैरी करता है, DPM कम है, बट वो आप सिर्फ बहुत ही कम, बस मेरे ख्याल से 2 से 3 सेकेंड में, 3 सेकेंड के अंदर आप दो शेल यानी कि 800-900 डैमेज तुरंत ले सकते हैं एनिमी का। और 3 शेल्स गन से आपके पास बहुत सारा DPM आ जाता है और आपके पास एक्यूरेसी आ जाता है। साथ में इसका जो आर्मर है वो काफ़ी ट्रॉल है और ये टैंक भी काफ़ी अच्छा है खेलने के लिए। तो फिर मैं कहूँगा सपोर्टिंग हैवी टैंक में आपके पास T57 हैवी सबसे नंबर 1 चॉइस, दूसरे पर क्रान वाग और तीसरे पे M60O है। और वहीं पे मैंने जैसा कि बताया आपको नॉर्मल टैंक्स में 60 TP और Type 71, और हैवी टैंक्स में बात करें तो फिर E100 और IS-4। तो फिर दोस्तों यही था आज का ब्रेक डाउन हैवी टैंक्स के ऊपर। आई होप कि आपको ये वीडियो से सब कुछ समझ में आ गया होगा, और आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड किसी भी टैंक के बारे में या फिर कोई भी क्वेश्चन आपका, तो फिर आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सी या। दोस्तों एक चीज़ और, आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, और एक और चीज़ आप बताइएगा कि आप कौन सा टैंक ग्राइंड कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड सी या।